असलाकुम कैसे आप सब लोग उम्मीद करती कि आप सब खैरियत से होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी प्यारी से यूट्यूब की फैमिली को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो मेरा ईद का व्लॉग इस बार काफी लेट हो गया है कैसे हैं जी आप सब और कैसी आप सबकी ईद गुजरी और मौसम जो है ना इस बार बहुत ही गर्म था और हमारी ईद जो है ना कैसी गुजरी तो वो फिर मैं आपको आगे जाके बताऊँगी खैर यहाँ पर जिस सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पर हो रहा था ना नाश्ता रेडी अच्छा नाश्ता तो हमने जो है वो बाहर से ही मंगाया था मैंने कहा आज ईद है तो आज बिल्कुल जो है वो देसी नाश्ता होना चाहिए ताकि थोड़ी फीलिंग्स तो आए ना कि पाकिस्तान वाली हाँ कि ईद है यहाँ पर तो पता ही नहीं होता कि ईद है इस ईद पर तो सच बताऊँ कोई खुशी नहीं थी कुछ करने का भी दिल नहीं चाह रहा था मैंने वैक्स करनी थी वो नहीं की और उसके बाद फिर मैंने मेहंदी लगानी थी मेरा वो भी दिल नहीं किया मेहंदी लगाने का मतलब के कपड़े पहने बाहर साइड से पाते जाना होता है फैमिली के साथ तो मैं रेडी हो गई थी ना ही मैंने मेहंदी लगाई और ना ही मेरा दिल कर रहा था क्योंकि मैं अपने अबू को इतना मिस कर रही थी और अबू के बिना ऐसे लग रहा था कि ईद अधूरी तो है खुशी अधूरी है, है और इतना मैं उनको मिस करती हूँ कि बस मैं ख़ुद से यही सवाल बस एक ही करती हूँ कि वो हमें क्यों छोड़ के चले गए इतनी जल्दी हमें किसके सहारे छोड़ के चले गए जाना तो सब नहीं है पर पता नहीं क्यों मैं अभी भी अपने अबू को इतना मिस करती हूँ ऐसे लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था अबू हमें इतनी जल्दी छोड़ कर नहीं जाते तो खैर अल्लाह पाक मेरे अबू के दर्ज बुलंद फरमाएँ उनकी आगे की जो मंजिल है उनको आसान करें आमीन और यहाँ पर जो है ना मैंने नाश्ता भी निकाल लिया था अच्छा नाश्ता जो हमने मंगाया था उसमें पाए थे और चने थे और साथ में जो है वो नान मंगाए थे और मतलब कि इतना उन्होंने ऑयल डाला हुआ था ना चनों में जब मैंने उसको खोला तो सारा नीचे किचन में और ऊपर भी ऑयल ऑयल हो गया था तो फिर जी मैंने साथ ही साथ किचन को साफ़ किया और उसके बाद जी मैं निकाल रही थी यहाँ पर पाए अच्छा ये एक न्यू रेस्टोरेंट है वहाँ से मेरे हस्बैंड ने किया था इससे पहले हम एक और रेस्टोरेंट से पाए मंगाते थे तो हस्बैंड कहता है उनके यहाँ आजकल बिल्कुल सफाई नहीं होती तो इसलिए ना मैं दूसरे रेस्टोरेंट से करता हूँ अच्छा बहुत ही मज़े का इनका नाश्ता था इनके रेस्टोरेंट का नाम है मियाँ जी और बहुत ही मज़े के इनके खाने भी होते हैं नाश्ता भी इनका काफ़ी अच्छा था तो साथ ही मैंने बना ली थी जी मिंट वाली लस्सी तो ये हो गया था जी आज हमारा जबरदस्त सा नाश्ता नाश्ता करने के बाद सीधा मैं मैं आ गई थी रूम में तो मैं हो गई थी जल्दी से रेडी और उसके बाद फिर बच्चों को रेडी कर दिया था और मैंने जो है तीन ड्रेस निकाले थे उसमें से मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था तो मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था पिंक कलर भी मुझे पसंद है और सी ग्रीन ना ये वाला कलर मुझे पहने हुए काफी ही टाइम हो गया था तो इसलिए मैंने कहा आज मैं यही वाला पहनूंगी और ये पहन करना बहुत ही नाइस लग रहा था बहुत ही अच्छा जो है वो स्टिच किया हुआ था तो यहाँ पर जी हमने फिर बनाई थी पिक्चर्स ईद की तो मैंने कहा जी चलें आप लोग के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ तो उसके बाद जी हमारा हो गया था सफ़र स्टार्ट तो बस अभी हम चल पड़े थे और जहाँ पर ना अभी टाइम था एक बजे का अच्छा पहले हस्बैंड ने कहा कि हम तीन बजे जाएंगे और फिर जी उन्होंने कहा कि इरादा चेंज हो गया है एक बजे निकलते हैं पहले हम जाएंगे फजीरा फ्रूट मार्केट और उसके बाद फिर हम जाएंगे कहीं और वहाँ पर तो हम काफी बार जा भी चुके हैं और वहां पर इतने मजे मजे के फ्रेश फ्रूट होते हैं ना कि वो खाएंगे और उसके बाद जो है ना फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर जी फिर हम पहुँच चुके थे और सबसे पहले हमने नारियल पानी पिया और उसके बाद फ्रूट्स लिए और शाह ने यहाँ पर फुल मस्तियाँ की फ्रूट्स के साथ और फुल जो है ना यहाँ पर उसकी शरारतें स्टार्ट थी और यहाँ पर जी हमने ले लिया था फ्रूट और यहाँ पर ना फ्रूट बहुत ही मज़े मज़े का मिलता है और बहुत बहुत ही कह लें कि फ्रेश भी होता है और मीठा भी बहुत होता है तो यहाँ पर जी हमने काफ़ी सारा फ्रूट ले लिया था कि जब हम रास्ते में चलते जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ तो साथ में फ्रूट भी इंजॉय करते जाएंगे अच्छा यहाँ से ना हमने अंजीर लिया था और अंजीर इतना मीठा था ना बहुत ही मजे का अंजीर था अमरूद ही लिया था और गरमा लिया था गरमा तो मैंने घर के लिए लिया था घर पे आके काटा था तो बहुत ही मीठा निकला था अच्छा यहाँ से मार्केट से होके तो फिर जी अभी हम वापस पहुंच गए थे अपनी गाड़ी में और जहाँ पर मैं अपने अमरूद कर रही थी और बड़े ही पिंक पिंक कलर के थे अच्छा ये अभी इनका सीजन ख़त्म हो गया है देखने में बहुत अच्छे थे और टेस्ट भी इनका जो है बस ठीक था इतने मीठे नहीं थे जैसे सीजन के होते हैं खैर जो यहाँ पर जो है ना बच्चे भी खेल रहे थे और बच्चों ने वहीं से जो है ना मार्केट से लिए थे दोनों ने स्पाइडर मैन लास्ट टाइम जब हम फजीरा आए थे तो शाहिर ने यहाँ पर काफ़ी सारे टॉयज लिए थे इस बार जो है ना सिर्फ हम फ्रूट वाली एक ही शॉप पर गए और वहीं से फिर हम वापस गाड़ी में आ गए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो शाहिर ने तो फिर शोर डाल दिया था कि उसको टॉय लेना था क्योंकि सामने उसको दिख गए थे तो फिर उसके पापा जो है ना जाके दोनों भाइयों के लिए स्पाइडर मैन आए थे तो इस तरह इनका सफ़र अच्छा गुजर गया था अपने जो है ना वो स्पाइडर के साथ ही ये दोनों खेलते रहे थे क्योंकि तीन बजे दो बजे इनका सोने का टाइम होता है तो हम जल्दी निकल गए थे और फिर ये सो भी नहीं रहे थे बड़ी मुश्किल से जाके तीन बजे थे और उसके बाद ये दोनों भाई ही गाड़ी में सो गए थे और शाहन ने तो अपने स्पाइडर मैन को नींद में भी नहीं छोड़ा उसको हगी करके ना अपने साथ ही सुलाया हुआ था और यहाँ पर छोटा भी सो गया था तो उसकी आंखों पर मैंने अपना हाथ रखा हुआ था क्योंकि उसको जो है ना फेस पर धूप लग रही थी अंदर शेड आ रहा था और यहाँ पर इतना प्यारा वेदर हो रहा था ना माशाल्लाह से ऐसा लग रहा था कि बस अभी बारिश हो जाएगी पर ऐसा था नहीं दुबई में सिर्फ हम बादल ही देखकर खुश होते रहते हैं और कोई यहाँ पर बारिश नहीं हुई है गर्मियों में आप देखें ना पंजाब में आजकल फुल बारिश हो रही है अम्मी से बात करें पाकिस्तान में मतलब हर शहरों में बारिश हो रही है और हमारे पास जो है ना वो बारिश का नामो निशान ही नहीं है हम तो बारिश को देखने के लिए ना तरस जाते हैं कि कब होगी और आज हम आए थे अलरफीसा डैम और यहाँ पर जो है ना हम फर्स्ट टाइम ही आए थे और इतने टाइम से ना हमें इस जगह का पता ही नहीं था अच्छा मेरा ना आज बिल्कुल भी दिल नहीं था आने का क्योंकि गर्मी इतनी थी पर जगह बहुत ही प्यारी थी तो हस्बैंड ने कहा कि चलते हैं और जब तक हम गाड़ी में थे तो ठीक है और जहाँ पर हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी हमने इतनी देर यहाँ पर चक्कर लगाया और फिर एक फैमिली जो है ना वो जा रही थी और उनसे ना मेरे हस्बैंड ने बात की कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है तो हम भी वहीं पर गाड़ी लगा देंगे जब आप निकालेंगे और उनकी गाड़ी बिल्कुल एंड में थी फिर भी मैंने कहा चले जी मिल तो गई पार्किंग वरना हमें यह लग रहा था कि पार्किंग हमें नहीं मिलेगी हम जो है ना ऐसे गाड़ी में घूम के वापस चले जाएंगे और खैर जहाँ पर फिर हम गाड़ी लगा के आ गए थे और इतनी ज़्यादा गर्मी थी जब हम जा रहे थे तो इतना फील नहीं हो रहा था ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ये बहुत ही प्यारी जगह थी और यहाँ पर नीचे इतनी क्यूट क्यूट सी और बड़ी बड़ी सी फिश थी ना जिनको देख कर खुश हो रहा था और शाज़ेन को तो फिश पानी और आ, स्विमिंग ऐसी चीजें बहुत पसंद है तो शाज़ेन ने तो बस सिर्फ एक ही बात की रट लगाई हुई थी कि पाला पाला अच्छा जगह की बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये प्लेस थी और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था मतलब ये कि गर्मी बहुत थी इतना हमने एंजॉय नहीं किया और हम कहीं गए भी नहीं बस ऐसे ऊपर ऊपर से ही मैंने थोड़ी-थोड़ी चलते-चलते ही वीडियो बनाई और जहाँ से जो है ना हम सीधा टॉयलेट गए और टॉयलेट से होके इतनी गर्मी थी जो कि हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी और फिर वहीं से ना हम वापस आ गए और जहां पर हम नीचे गए ही नहीं और हम सोच रहे थे कि जो लोग नीचे बैठे हैं और अंदर जो है पानी के अंदर गए हुए हैं उनकी हिम्मत है हमसे तो ये नहीं हुआ हस्बैंड पूरे पसीना पानी हो गए थे बच्चे दोनों लाल हो गए थे बच्चों को इतना पसीना आ रहा था तो बस मैंने कहा आए हैं तो बस ऐसे मैंने हल्की हल्की सी ही वीडियो बनाई वीडियो भी ज़्यादा नहीं बनाई मतलब हम यहाँ पर रुके ही नहीं सिर्फ हम टॉयलेट तक गए और वहाँ से ना फिर हमारी हिम्मत नहीं हुई घूमने की और फिर वहीं से जो है ना हम वापस आ गए थे और जहाँ पर कोई रेस्टोरेंट भी नहीं था कि जहाँ पर बंदा अंदर बैठ के जाके थोड़ी सी सांस ले ले बस ये आइसक्रीम वाले थे या ऐसे कैफ़े बने हुए थे तो इनके भी अंदर जगह नहीं थी बैठने की सिर्फ आप ले के तो बाहर आ जाए तो इसलिए हम जितनी प्यारी जगह थी ना उतना हमने इन्जॉय नहीं किया और गर्मी में वैसे भी इन्जॉय कहाँ होता है तो मैंने कहा जी चले आ, ये तो फिर हो गया और नेक्स्ट टाइम जो है ना मैंने कहा हम आएंगे सर्दियों में और जैसे ही मैंने कहा विंटर स्टार्ट होगा ना तो मैंने कहा फर्स्ट वाली ये प्लेस होगी हमने यहीं पर आना है घूमना फिरना है और फिर खूब मस्तियाँ करेंगे अच्छा यहाँ पर बच्चों के लिए भी ना काफ़ी झूले और जो है ना प्ले ग्राउंड बहुत ही बड़ा था और बच्चे जो है ना काफ़ी खेल भी रहे थे गर्मी पर बहुत ही तो हमने तो शाजिन को ये चीज़ें दिखाई ही नहीं बच्चों की खेलने की जगह तो बहुत ही जबरदस्त बनी हुई थी शाहजहा ने तो झूले वगैरह देखे नहीं अगर वो देख लेता तो उसने वापस ही नहीं आना था तो उसको जो है ना हम छुपा के इधर से साथ अपने ले गए और वापस में भी ऐसे उसको छुपा के ना उसके पापा एक साइड से लेकर आए अच्छा मेरे हस्बैंड तो बहुत हंस रहे थे कहते हैं चलो कोई बात नहीं तुम्हारा व्लॉग तो बन गया है अब तुमने व्लॉग में ये कहना है कि हम जहाँ पर गए थे हमें बहुत मजा आया बहुत अच्छी जगह थी आप सबने भी यहाँ पर आना है मतलब उन्होंने एक मजाक ही बना ली थी कि हमारे साथ हुआ क्या है बस जी यहाँ पर हो रही थी हमारी वापसी और बहुत ही बुरी ये वाली हमारी ईद गई और ये दिन ना और ये ईद तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी जो हमारे साथ हुआ तो बस जी आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाफिज़